नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैंने 9 स्टॉक्स लिख रखे हैं जिनमें भारी गिरावट देखने को मिली है और निवेशकों का अच्छा खासा मोटा पैसा लगा है। पहले तो एक बात बताना चाहूंगा, ये 9 स्टॉक हो या मार्केट में 8000 शेयर्स हैं, आप में किसी में भी आपने निवेश करा है डेफिनेटली नेगेटिव पोर्टफोलियो है। इस समय ये ना सोचें कि मेरा पैसा डूब रहा है, मेरे शेयर्स गिर रहे हैं, शेयर बाजार खराब है, मैं SIP नहीं करूंगा, मैं एवरेज नहीं करूंगा, मैं लॉस बुक करके अपने पैसे को विड्रॉ कर दूंगा, शेयर बाजार में कभी दोबारा नहीं आऊंगा, शेयर बाजार एक जुआ है। इस तरीके की थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप एकदम ठीक हो, मतलब कि नॉर्मल हो आप, और जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर करता है वही आप कर रहे हो। बट एक चीज हमेशा समझ लेना कि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर ना पहले पैसा कमाता था ना अभी कमा रहा है, और अगर ऐसी सोच रही तो आगे भी नहीं कमा पाएगा। एक्चुअल में आप मार्केट की हिस्ट्री भूल गए हो, आप मार्केट का मतलब जो जिन्होंने पैसा बनाया उनकी आप पोर्टफोलियो देख लो। मैं सिंपल सी बात कर सकता हूं कि मार्केट ने वन साइडेड रिटर्न दिया ही नहीं है। किसी ने अगर 1 रुपए से 10 रुपए बनाए हैं तो वो 10 रुपए एक बार 5 रुपए हुए ही हुए हैं, लेकिन जब वो 5 हुए हैं और अगली बार दोबारा बुल मार्केट आई है तो वो 5 का 50 हुआ है, यानी कि आपका 10 का 50 हो गया। आप ये मत देखो 10 से 5 हुआ, आप ये देखो अब 5 से 50 हो रहा है। मैं सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूं, कोविड से पहले मार्केट 12,000 पे थी, 7,500 पे आई कोविड में, तो क्या सब खत्म हो गया? बजाज फाइनेंस का 4,500 का हाई था कोविड से पहले का, इसने कोविड के समय में 1,800 रुपए का लो लगाया, तो क्या बजाज फाइनेंस की जिंदगी खत्म हो गई? नहीं हुई ना, जिसमें सरकार ने कह दिया कि जो भी फाइनेंस कर रखा है 3 महीने तक कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस के लिए बहुत खराब खबर आई थी, पर्सनली मैंने निवेश करा था उस समय बजाज फाइनेंस में, क्योंकि तो मेरे को अच्छे से याद है वो 3 महीने के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था, यानी कि जिनको भी फाइनेंस जिन्होंने भी बजाज फाइनेंस से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और उनकी EMI भरनी होती थी तो उस EMI पे सरकार ने 3 महीने की छूट दी थी हर एक आदमी को, कि अगर आपको EMI भरनी हो और आप लेट हो रहे हो तो आप 3 महीने लेट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बजाज फाइनेंस खत्म हुआ? 1800 से 8000 आया, कहां पे आया? 8000। अब जिसने 4000 पे खरीदा था उसका तो पैसा हुआ डबल, बस उसने रोक के रखा, थमा अपने स्टॉक को पकड़ के रखा, और जिसने उस गिरावट में अपना इंटेलिजेंस यूज करा, माइंड यूज करा और खरीदने की कोशिश करी, या फिर डर में हिम्मत करी, कोशिश करी खरीदने की, उसने पैसा बनाया 4 गुना। कितना? 4 गुना। अब आप देख लो, एक ने डबल करा और एक ने 4 गुना कराया, और 4 गुना पैसा करना मामूली बात नहीं है शेयर बाजार में। सिंपल सी बात यह है कि मार्केट में मंदी आएगी, गिरावट आएगी और वहां डर बनेगा, सब कुछ नेगेटिव होगा। जब सब नेगेटिव है तभी तो प्राइस नीचे है, सिंपल सी बात समझो ना, जब सब नेगेटिव है तभी प्राइस नीचे है। अगर सब पॉजिटिव हो जाएगा, कंपनी के लिए अच्छी खबरें आएंगी, मार्केट अच्छा दिखेगा, हर एक निवेशक पैसा बनाएगा, तो शेयर का प्राइस नीचे होगा ही नहीं, तो शेयर का प्राइस ऊपर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, सारे खरीदने को खड़े हैं। जब सब बेच रहे हैं तभी तो आपको खरीदना है। आपको ऐसे समय में देखने हैं कंपनी के नंबर्स, सिर्फ और सिर्फ कि कंपनी की अर्निंग्स तो कम नहीं हो रही है। कंपनी की अर्निंग्स अगर है तो कंपनी तो पैसा बना रही है, फिर शेयर क्यों नहीं पैसा बनाएगा? ये तो मार्केट में, ये मार्केट तो एक ऐसी जगह है, यहां पे एक्चुअल वैल्यू के नीचे वैल्यू आएगी, एक्चुअल वैल्यू के ऊपर वैल्यू जाएगी, फर्क सिर्फ इतना है कि आप पैसा कहां लगा रहे हो। अब इन 9 स्टॉक्स की बात करें या फिर मार्केट में किसी स्टॉक में उठा के देख लो, ये 9 स्टॉक तो एक ऐसे हैं जो आज गिरे हैं बड़ी बुरी तरीके से, पहले से भी गिर रहे थे और आज मतलब धीरे धीरे नीचे आ रहे थे और आज एकदम गिर गए, कूद गए, वो वाला हाल हुआ है, तो पैनिक क्रिएट हुआ है। चलिए स्टॉक के नाम बताता हूं, टाटा पावर, IEX, ट्राइडेंट, अदानी विलमार, IRCTC, कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी CAMS, LIC इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, PNC इंफ्राटेक, संवर्धना मदरसन, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी और ये गिरे हैं। अब आप मेरे से पूछे भाई खत्म हो जाएगा पैसा, जीरो हो जाएंगे शेयर्स, इनमें से कौन से ऐसे स्टॉक है जिनके नंबर्स खराब आ रहे हैं, जिनकी अर्निंग्स घट रही हैं, वो बताओ आप मेरे को। मैंने इसी बेस पे आपके लिए फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट में कल 6th यानी 6th वीडियो अपलोड करी है, वैल्यूएशंस को देखते हुए 5 स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं। ट्रस्ट में आप एक बार चेक करो, आपको चीजें समझ में आएंगी। ये शेयर बाजार जहां पे अर्निंग्स आपकी बढ़ रही है, वैल्यू, अब देखिए ये शेयर नीचे क्यों आ गया, जब आपके अर्निंग्स बढ़ रही है फिर शेयर का प्राइस नीचे कैसे आ सकता है? यहां मल्टीपल्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 रुपए कमा रहा हूं तो मेरी कंपनी को अगर 10 रुपए पे ट्रेड करवाओगे आप तो एग्जैक्ट जितना मैं कमा रहा हूं उतने पे ट्रेड कर रहा है, उससे नीचे जाएगा तो प्योर अंडर वैल्यू हो गया, यानी कि हर एक आदमी टूट फूट के पैसा लगा देगा, इतना सेफ नहीं है शेयर बाजार। अब मैं 10 रुपए कमा रहा हूं तो मैं 10 टाइम पे ट्रेड करूंगा, यानी 10 गुना पे ट्रेड करूंगा तो मेरा शेयर 100 पे आ जाएगा, यानी मेरे अर्निंग पर शेयर 10 है और 10 का PE मैं ले रहा हूं तो 10 × 10 100 रुपीज हो गया मेरा भाव, ठीक है।
अब अर्निंग पर शेयर तो मेरा 10 है और 20 की स्पीड से बढ़ रहा है, तो अगली साल मेरा 12 का होगा, उससे अगली साल 14.5 का हो जाएगा, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 10 के मल्टीपल्स पे 14.5 में 2 साल बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए शेयर, 140 रुपए का। लेकिन मार्केट बियर है, मार्केट गिर रही है, तो ये मेरे को 10 के मल्टीपल थोड़ी देगा, ये मेरे को 5 के मल्टीपल पे लाके खड़ा कर देगा, ये शेयर बाजार है, ये फेल देगा मेरे को पूरी तरह। मेरे अर्निंग्स अभी भी 10 के है, लेकिन 5 के मल्टीपल्स की वजह मेरा 5 के मल्टीपल्स मुझे देगा बाजार, तो मेरा भाव हो जाएगा 50 रुपए। मेरी 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल रही है आपको, तो आप खरीदोगे या फिर दूर हो जाओगे? आपको अगर मार्केट में बाहर 100 रुपए की चीज 50 रुपए में कोई डिस्काउंट देता है तो आप टूट के पड़ते हो, तो यहां क्यों डर जाते हो? मेरे हिसाब से सिंपल सा लॉजिक मैं ये बोलना चाहता हूं, आप दो चीजें जरूर कर लो। एक, अपनी इक्विटी को बेचना मत अगर अर्निंग्स अच्छी है तो, और रिजल्ट्स वाली वीडियो भी हमने अपने शेयर मार्केट फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट में डाली है। अदरवाइज रिजल्ट्स में आप मत देखो यार मेरा कोर्स, रिजल्ट्स में आप सिर्फ ये देख लो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स खराब तो नहीं हो रहे, पूरे साल में टीटीएम बेसिस पे कंपनी के जो नंबर्स हैं वो लास्ट ईयर के मुकाबले खराब तो नहीं हो रहे, कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है क्या? बस इतनी चीजें चेक कर लो यार, ये 3-4 चीजें चेक करने से आप अपना पैसा बचा सकते हो तो बचा लो, क्या दिक्कत है? क्या शेयर बाजार लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये 9 स्टॉक्स जहां बड़ी गिरावट हुई है ना, ये खत्म होंगे ना आपके पास जो है वो खत्म होंगे। फर्क इतना है, कोई बाद में चलेगा, कोई पहले चलेगा, इस बीच में आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आपको आज लगेगा यार मेरा तो चल ही नहीं रहा, इससे अच्छा तो ये ले लेता हूं। आप यहां से वहां जाओगे, वहां जाने का पता चले वो तो चल चुका है, अब आपके की बारी आ गई, आपका भी मिस हो गया। तो सिंपल लॉजिक है दोस्त कि आप प्रीवियस जो गिरावट है उनको देखिए, जज करिए। आप अपनी गलतियां कर करके सीखोगे तो एक जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, तो शेयर बाजार को नहीं समझ पाओगे। दूसरों की गलतियां प्रीवियस हिस्ट्री उठा के जितना पढ़ने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा शेयर बाजार समझ में आएगा और उतनी जल्दी आप सीखोगे, बस इतना कहना चाहता हूं। तो ये मेरी आपके लिए एक सिंपल सी राय थी, होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।